आजा संडास दिखाता हूँ। बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूँ। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? शर्म आनी चाहिए आप। मुझे खुशी है कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं। उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हिंदी ठीक है कि नहीं वो मैं बराबर ध्यान से सुन रहा था। अगले महीने रिपब्लिक टीवी के 6 साल पूरे हो रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा, आपने नेशन फर्स्ट के अपने मिशन को डिगने नहीं दिया। समझ रहे हो ना? बस यही है। जनता माफ नहीं करेगी। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर